तो आज हमें सोलन वैली करने वाले हैं। सोलन वैली हम लोग होटल से हम लोग ने 3 स्कूटी बुक की है। हम लोग ये कन्वीनियंट लगा क्योंकि कार में कैसे एक ही दिन एक ही स्पॉट हो जाएगा। हम लोग खुद से जा सकते हैं सोलन वैली प्लस हरिणा टेम्पल पे हो जाएगा जब स्कूटी लिया तो। एक स्कूटी का रेट है 750। पूरा दिन आप घूम सकते हो, रात तक कुछ तो उन लोग का टाइम रहता अभी तक ला के दे देने का। तो ये हम लोग को कन्वीनियंट लगा तो हम लोग आज स्कूटी से ट्रैवलिंग करेंगे। 750 में गिरी हम लोग की स्कूटी। स्टार्टिंग में इन लोगों को कुछ तो डिपॉजिट देना पड़ता है। 3 बाइक के लिए हम लोग ने 6,200 दिए, 4,000 डिपॉजिट है, वो बाद में हम लोग को वापस मिलेंगे। तो मेरे दोस्तों, सोलंग वैली यहाँ से 4 किलोमीटर है। हम लोग ने ये सूट लिया है सोलंग वैली जाने के लिए, लेना ही पड़ता है क्योंकि ऊपर जाके जो एक्टिविटी करेंगे वो आपने सादे कपड़े में नहीं हो पाएगा, पूरे भीग जाएंगे। दिखा देता हूँ मैं कैसे सूट है हमारे। ये पूरा हम लोग का सेटअप, तो हम लोग अभी सोलंग वैली पहुंच गए हैं। यहाँ से ऊपर एक पॉइंट है स्नो पॉइंट, वहाँ पे हम लोग जाएंगे। हार्डली 2 घंटा हमको लगेगा, 1 घंटे में पहुँच जाते हैं। 1 घंटे में हम लोग पहुँचने का ट्राई करेंगे क्योंकि आगे भी हम लोग को बहुत सारे पॉइंट करने हैं। ऊपर जाने के लिए ये 2-3 ऑप्शन है। एक याक है, ये घोड़े है, इससे भी जा सकते हो आप, पर आप हट्टे कट्टे हो तो चल के भी जा पाओगे। हार्डली 1 घंटा लगता है हमें, 1 घंटा लगेगा। लास्ट टाइम हमें 1 घंटा लगा था, इस टाइम भी हम लोग को 1 ही घंटा लगेगा। ऊपर जाके बहुत मज़ा आएगा, बने रहिए इस वीडियो में और मज़ा आएगा। थोड़ा मैं तुम लोग को ओवरव्यू दे देता हूँ क्या क्या तुम लोग को लगेगा सोलन वैली जाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सूट लगेगा पूरा, देख सकते हो। उसके साथ ये शूज़ लगते हैं, ये लगेंगे, और इनर लगेगा। इनर नहीं लगा तभी चलेगा क्योंकि अभी थोड़ी गर्मी है इधर, क्योंकि ये बहुत अच्छा, इसका मटेरियल बहुत अच्छा है तो आपको ठंडी तो नहीं लगेगी। और खुद से आ रहे हो तो कार नहीं तो स्कूटी लगेगी, स्कूटी से आओगे तो अच्छा लगेगा। 700 पर पर्सन लिए उन्होंने हमारे से। फिर यहाँ से हम लोग को फिर अच्छा लगेगी 700 में, हम लोग फिर बाद में हनीमा टेम्पल भी कर पाएंगे तो एक अच्छा है हम लोग के लिए वो। उसके बाद और स्कूटी ले रहे हो तो उन लोग का टाइमिंग रहता है, वो टाइमिंग तक देना पड़ेगा नहीं तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लग पाएंगे। और स्कूटी लेते समय आपको एक्स्ट्रा डिपॉजिट भी भरना पड़ता है, वो डिपेंड्स रहता है कितने जन हैं। सांस फूल रही है मेरी क्योंकि सी लेवल से बहुत ऊपर है ये, और कैसे एनवायरनमेंट में ठंडी बहुत है तो थोड़ा को ब्रीदिंग के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, पर प्रॉब्लम नहीं है। और चढ़ना बहुत यार, ध्यान देना। यहाँ से चलना है ऊपर तक, वो पॉइंट दिख रहा है उधर, बर्फ़ मिलती है ऐसा, खाड़ी कैसी रहती है वैसा है, तो वहाँ पे बर्फ नरम है। तो लास्ट टाइम मैं भी इधर से ही आया था तो हमें पता है, इसलिए मैं मेरे ग्रुप को लेके जा रहा हूँ। तो हम लोग अभी ऑलमोस्ट पहुँच गए, 1 आवर लगा, हार्डली 1 आवर लगा, ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि हम लोग हेल्दी है, हम लोग जा सकते हैं। हम लोग अभी सोलंग वैली मतलब स्नो पॉइंट पे पहुंच चुके हैं।
हम लोग और ऊपर जाने वाले क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ पे बहुत बर्फ थी, मैं जब आया था। अभी यहाँ पे कम बर्फ है तो हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं, ऊपर की बर्फ का फील लेने। चलो और जगह एक्सप्लोर करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या क्या है तो तुम लोग का और आइडिया आ जाएगा कि कहाँ पे बेस्ट पॉइंट है मज़े करने के लिए। तो यहाँ पे पहाड़े तो बहुत बड़े बड़े रहेंगे ही, और मेरा हाथ पूरा जम चुका है पूरा। अंदर तो प्रोटेक्शन है पर हाथों को प्रोटेक्शन तो नहीं है, हे पर मैं पहना नहीं है क्योंकि शूट करने के लिए ग्लव्स पे टच नहीं होगा, तो इसकी वजह से आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं। इसे ही प्यार दिखाते रहिए मुझे, आपके लिए मैं अच्छे अच्छे वीडियो ला रहा हूँ और लाते रहूँगा। पहाड़ों के बीच में से जाना पड़ता है, बर्फ बर्फ है बर्फ। अच्छा बंटी मार, मेरे पे बर्फ डाल रहे, उन लोगों में छोड़ूंगा नहीं। बर्फ का मारा बहुत मजा आ रहा है। जा रहे हम लोग ऊपर ऊपर और मजा आएगा। और ऊपर जाने के लिए रास्ता है, देखते हैं हम लोग कितने ऊपर तक जा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि जो मनाने आने वाले हैं उन लोग को ये इन्फॉर्मेटिव लगे। और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर दो, मैं आंसर दे दूँगा कितने चार्जेस कहाँ पर लगते हैं और कहाँ से कहाँ जाना है। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। घूमे बरगड़ी पैक, बरगड़ी पैक, थोड़ा पैक। सोलन वैली करने के बाद हम लोग मैगी और चाय नाश्ता खा रहे और भैया को पकड़ना भी।